नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत करते हैं ईएस एग्जाम स्टडी के डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आईआईटी दिल्ली में स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकियों पर सीईआर द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? रंजित पाटिल, संजय धोत्रे, अनुराग ठाकुर, संजू बलियान। इसका आंसर है संजय धोत्रे ने। नेक्स्ट, यू विन मिंट फरवरी 2020 में भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? म्यांमार के। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में बग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बांग्लादेश संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए किसे आमंत्रित किया जाएगा? इसका आंसर है प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2020 में राष्ट्रपति भवन में किसकी आगवानी की? डोनाल्ड ट्रंप की। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? लीबिया, मिस्र, तुर्की, सूडान। मोहम्मद होस्नी मुबारक मिस्र के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, गुलमर्ग में आइस रिंक में आयोजित 6ठे राष्ट्रीय आइस स्टोक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में इस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? जम्मू और कश्मीर टीम ने। नेक्स्ट, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेल्को के खनन और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में कर्सर और कन्वेयर सिस्टम की आधारशिला कहाँ रखी? झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्क्लेव 2020 में सभी 8 नॉर्थ ईस्ट राज्यों से कितने तकनीकी सत्र आयोजित किए गए थे? 4। नेक्स्ट, विस्टन पीटर्स फरवरी 2020 में भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हुए निम्नलिखित में से किस देश की उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा में आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, कटक उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मिश्रित पुरुष और महिला तीरंदाजी में पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 2 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट, किस राज्य में फरवरी 2020 तक लगभग सभी कॉलेजों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब आयोजित किए गए हैं? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। इसका आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ब्रिटेन और रूस के बीच तनावपूर्ण वातावरण के बाद किस देश पर एक और वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अमन, यमन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एकीकृत पंजीकरण कार्ड पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और तेल क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच कितने समझौते हुए हैं? भारत और अमेरिका के बीच अब तक 3 समझौते हुए हैं। 2019 के सर्वश्रेष्ठ वर्चुअल रियलिटी वीआर खेल ओसगार्स रेत के डेवलपर सेंट जरू गेम्स का अधिग्रहण निम्न में से किसने किया है? फेसबुक ने। नेक्स्ट, GIS-AT 11 का वजन कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 2275 किलोग्राम। प्रति यात्री शुल्क मुक्त राजस्व भारत के किस हवाई अड्डे पर प्रति यात्री 10 से $11 अधिक है?
इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त मंत्रालय, सॉरी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त मंत्रालय आयोग का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त मंत्रालय आयोग का 16वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, बिम्सटेक म्यांमार थाईलैंड से भारत के लिए लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी बिजली ग्रिड को जोड़ने पर काम कर रहा है। निम्न में से कौन बिम्सटेक क्षेत्रीय पावर ग्रिड में निवेश कर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एडीबी एवं एआईआईबी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.